प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर विच प्रोवाइड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स आर. तो ऐसी प्रॉपर्टीज वाटर की जो उसको एक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रही है. टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी जब ट्रांसपिरेशन से वाटर ऊपर खिंच रहा है तो ऊपर खिंचने की वजह से एक पुलिंग फोर्स आ रहा है, एक नेगेटिव टेंशन आ रहा है, तो उससे वाटर कॉलम ब्रेक हो सकता है. तो उस ब्रेकेज को रोकने के लिए, उस पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए एक प्रॉपर्टी है. वो प्रॉपर्टी क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ. और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी मदद से आ रही है? अभी हमने देखा ये टेंसाइल स्ट्रेंथ वाटर के म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से आ रही है, कोहेजन. देन अधेशन, जब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अट्रैक्ट होके, पोलर सर्फेसिस से अट्रैक्ट होके ट्रेकीड्स के, ट्रेकियरी एलिमेंट्स के साथ मूव कर रहे हैं, अधेशन. एंड सर्फेस टेंशन, यानी वो लिक्विड फेज में ज़्यादा अट्रैक्शन शो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू दूसरा गैशियस फेज. तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर बात करें प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच प्रोवाइड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या? एक ऐसी एबिलिटी जिससे जो पुलिंग फोर्स आ रहा है ट्रांसपिरेशन की वजह से उसको रेजिस्ट करे और एक कंटिन्यूस कॉलम या चैनल बना पाए. तो अगर हम यहाँ पर एक जाइलम की कुछ इस तरीके से ट्रेकियली एलिमेंट को ड्रॉ करें, तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज जाइलम. जाइलम की कोई भी ट्रेकियरी एलिमेंट, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं. तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स का एक तो आपस में बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से, तो ये जो आपस में अट्रैक्शन या बॉन्डिंग है वाटर मॉलिक्यूल्स की, या इनकी इनके साथ, या ऐसा इधर, तो ये जो आपस में अट्रैक्शन है, दिस इज कोहेजन. This is cohesion, that is mutual attraction between the water molecules. Plus इसी के साथ साथ ये जो water molecules हैं, ये यहाँ पर ट्रेकीड की जो वॉल है उससे भी अट्रैक्टेड है, उससे भी बॉन्डिंग हो रखी है. तो इस बॉन्डिंग की वजह से एक कंटिन्यूस चैनल बना हुआ है. तो ये जो येलो वाला बॉन्डिंग नजर आ रही है, दिस इज अधेशन. अधेशन यानी अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू दी पोलर सर्फेसिस यानी ट्रेकीज. तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या है ब्लू वाले? वाटर, वाटर मॉलिक्यूल. तो कोहेजन एंड अधेशन की मदद से एक कंटिन्यूस वाटर कॉलम बना है जो पानी को ऊपर की तरफ खींचे जा रहा है. ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर ऐसे जाते जा रहे हैं. दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स इन द कंटिन्यूस वाटर कॉलम. और यही एक टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रही है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज.